गुड मॉर्निंग। कल का अपना जो टॉपिक आपने देखा वो मुख्यतः जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाले टॉपिक अपने चल रहे थे, जिसमें जनसंख्या वितरण संबंधी टॉपिक अपना हो गया था और विश्व महाजन समूह के बारे में आपको बता दिया गया था कि भाई विश्व के अंतर्गत चार महाजन समूह है, एशियाई महाजन समूह, यूरोपियन महाजन समूह, अमेरिकन महाजन समूह और अफ्रीकन महाजन समूह, और इन चार जन समूह का आधार अपना हो गया था, यानी जनसंख्या वितरण संबंधी टॉपिक अपना कल तक कंप्लीट हो गया था। आज देखते हैं पढ़े जनसंख्या घनत्व के बारे में। देखिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है, कहें किसे, देखिए किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात, किसे कहेंगे जनसंख्या घनत्व, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और उस प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों का पारस्परिक अनुपात क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व। दूसरी परिभाषा, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या और क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व। ये दो परिभाषाएं आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रहे जो जनसंख्या घनत्व है, इस जनसंख्या घनत्व को और किस नाम से जाना जाता है, गणितीय घनत्व के नाम से। जरूरी नहीं है प्रश्न जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछे, यदि गणितीय घनत्व पूछता है तो उसका मतलब क्या पूछ रहा है, वो जनसंख्या घनत्व के बारे में। इसके अलावा भी जो घनत्व के है आपके सिलेबस में, एक तो चलता है कौन सा घनत्व, कायिक घनत्व, एक चलता है कृषि घनत्व, एक चलता है आर्थिक घनत्व और एक चलता है पोषण घनत्व। यानी घनत्व की आपको कितनी परिभाषाएं याद करनी है, पांच। पहली परिभाषा ठीक से समझो, जनसंख्या घनत्व क्या है, किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व या गणितीय घनत्व। दूसरी परिभाषा, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। अब आता है कायिक घनत्व। देखो क्या होता है, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां पर पाई जाने वाली जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात क्या कहलाएगा, कायिक घनत्व। किसे कहेंगे कायिक घनत्व, किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के कृषि भूमि क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात वह क्या कहलाता है, कायिक घनत्व कहलाता है। कृषि घनत्व क्या है, किसी भी प्रदेश के अंतर्गत कृषि में संलग्न जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या में जो कृषि का कार्य करती है उस जनसंख्या को कहा जाता है कृषि में संलग्न जनसंख्या। तो कृषि में संलग्न जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात वो क्या कहलाएगा, कृषि घनत्व। आर्थिक घनत्व क्या कहलाएगा, आर्थिक घनत्व का मतलब है किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और उस प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले जो संसाधन है, उन संसाधनों का यानी उपलब्ध संसाधनों का पारस्परिक अनुपात
पोषण घनत्व क्या कहलाएगा? किसी भी प्रदेश के अंतर्गत निवास करने वाली कुल जनसंख्या, किसी भी प्रदेश के अंतर्गत निवास करने वाली कुल जनसंख्या व खाद्य फसल का क्षेत्रफल वो क्या कहलाएगा? मुख्यतः वो कहलाएगा पोषण घनत्व। पांचों परिभाषा फिर से देख लो एक बार। जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या व उस प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका पारस्परिक अनुपात। वह पारस्परिक अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व, या उसे गणितीय घनत्व कह सकते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या और क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात। एक होता है कायिक घनत्व, किसे कहेंगे? किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात, वो पारस्परिक अनुपात क्या कहलाएगा? कायिक घनत्व। कोई दिक्कत? फिर है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व किसे कहेंगे? किसी भी प्रदेश में कृषि में संलग्न जनसंख्या और कृषि भूमि जो क्षेत्रफल है उस कृषि भूमि क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात क्या कहलाएगा? कृषि घनत्व। फिर आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व किसे कहेंगे? किसी प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या व उपलब्ध संसाधनों का पारस्परिक अनुपात। फिर कृषि घनत्व, कुल प्रदेश में जो निवास करने वाली जनसंख्या है उस जनसंख्या में कृषि में संलग्न जनसंख्या और कृषि भूमि के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात। और लास्ट है पोषण घनत्व, किसे कहेंगे पोषण घनत्व? किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और वहां पर खाद्य फसलों का जो क्षेत्रफल है उस खाद्य फसलों के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात। वह पारस्परिक अनुपात किस नाम जाना जाएगा? पोषण घनत्व के नाम से। कोई दिक्कत? आइए ध्यान दीजिए, जनसंख्या घनत्व के बाद में है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अपन देखें, यहां देखते हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक और सांस्कृतिक कारक। यहां पर आपको एक बात ध्यान में देनी होगी, जब अपन पढ़ रहे थे जनसंख्या वितरण और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़े हैं ना, वो सारे कारक वही व्याख्या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते। देख लो वो क्यों कारक ऐसा है, जनसंख्या वितरण में आप पिछले वीडियो में बताया गया था। यानी जनसंख्या घनत्व कहां अधिक होगा कहां न्यून होगा उसके पीछे ये कारण है। भौगोलिक कारक जनसंख्या को आकर्षित करता है। भौगोलिक कारक में कौन कौन से बताए थे आपको? किसी भी प्रदेश की स्थिति, वहां की जलवायु, वहां का तापमान, वहां की वर्षा, आ रहे समझ में? वहां की वर्षा, वहां का धरातल, प्राकृतिक वनस्पति, भूमि की बनावट, भौम्याकृति, ये सारे जो कारक हैं ये किसी भी प्रदेश के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण में आपने पढ़ा कि जहां समशीतोष्ण जलवायु होती है, मानव के अनुकूलतम जलवायु जहां पर पाई जाती है, वहां जनसंख्या का वितरण या जनसंख्या सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, और जहां पर मानव के प्रतिकूलतम अति शीत अति उष्ण ऐसे जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों के अंतर्गत जनसंख्या का जो घनत्व है या वितरण अपन कह सकते हैं वो बहुत न्यून पाया जाता है। मृदा, भौगोलिक कारक में दूसरा कारक मृदा को अपन ले,
जिन क्षेत्रों के अंतर्गत उपजाऊ मिट्टी का अभाव पाया जाता है, उपजाऊ मृदा जिन क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं पाई जाती, उन प्रदेशों के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव बहुत कम होता है। मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व की जो स्थिति है, उस जनसंख्या घनत्व की स्थिति के अंतर्गत सामाजिक कारक, आर्थिक कारक भी उपलब्धता रखते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आर्थिक कारक क्या? सारे भौगोलिक कारक जो आप पर विद्यमान है, लेकिन भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त तो वहां पर रोजगार के साधन नहीं है, शक्ति संसाधन की उपलब्धता नहीं है, खनिज की उपलब्धता नहीं है। मानव उत्तम जलवायु में निवास करके यदि मानव को रोजगार नहीं मिलेगा तो मानव निवास क्यों करेगा? मानव प्रतिकूलतम वातावरण में तो निवास कर सकता है, लेकिन रोजगार के अभाव वाले क्षेत्रों में या जहां पर शक्ति संसाधन की अनुपलब्धता है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत मानव निवास नहीं करता। तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि ये भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, ये सारे कारक अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं जनसंख्या के घनत्व के लिए। आपको ध्यान में होगा, मैंने बताया भी था आपको जनसंख्या वितरण में अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारकों के बारे में कि कुछ कारक तो ऐसे होते हैं जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कुछ कारक ऐसे होते हैं जो जनसंख्या को विकर्षित करते हैं, यानी जनसंख्या को अपने से दूर उठाते हैं। भाई एक सीधी सी बात है, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत, जिन प्रदेशों में उत्तम जलवायु, उत्तम मैदानी भूभाग, समतल मैदान, उपजाऊ मृदा, सामान्य वर्षा की स्थिति, सामान्य प्राकृतिक वनस्पति, रोजगार के साधन, खनिज बहुलता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, सभ्य समाज, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, ये सारी स्थितियां यदि मानव के अनुकूलतम है तो मानव उस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करेगा। ये क्या हो गए? मानव के अपकर्ष कारक हो गए, मानव को अपनी ओर खींचने वाले कारक हो गए। ठीक, इनसे विपरीत अपन देखें तो मुख्यतः प्रतिकर्ष कारक, वे कारक जो मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं कि मानव को अपने से दूर उठाते हैं, उन कारकों के अंतर्गत मुख्यतः अपन ये कह सकते हैं खनिज संसाधनों का अभाव, उत्तम स्थिति का न होना, रोजगार के साधनों का अभाव, उत्तम जलवायु का अभाव, उपजाऊ मृदा का अभाव, उबड़ खाबड़ पथरीला रेतीला पठारी भूभाग, ये सारे कारक ऐसे हैं जो कारक मानव को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, अपने से दूर उठाते हैं। तो ये अपने मुख्यतः जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है। देखो, जनसंख्या वितरण भी और जनसंख्या घनत्व भी है, जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों को प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल एक ही है, सेम ही है। आपको एक बार याद करना है, जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन आपने याद कर लिया, अब चाहे प्रश्न जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का है, चाहे वो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का है, सबको सेम है। अरे समझ में? तो कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आपको ये सारे कारक याद करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं पढ़े जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व के विश्व वितरण के बारे में। देखिए, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जनसंख्या का या जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है वो कैसा वितरण है? असमान वितरण है, यानी सब जगह जनसंख्या घनत्व की समानता की स्थिति नहीं है। उदाहरण भाई, जैसे अपना एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत लगभग जनसंख्या घनत्व की स्थिति अपन देखें तो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यूरोप है, यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जबकि अफ्रीका में 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत 20 व्यक्ति है, सऊदी अफ्रीका में 27 व्यक्ति है,
उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति है, यानी सब जगह जनसंख्या घनत्व की स्थिति बिल्कुल असमान स्थिति। ठीक इसे विपरीत अपन देखें, जैसे ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, मंगोलिया है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत एक ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास पाया जाता है, उससे भी कम। मान लो सिंगापुर 7,500 से भी अधिक जनसंख्या घनत्व की स्थिति है, 7,500 व्यक्ति से भी ज्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है। आज अपने भारत के दिल्ली में देख लो, लगभग 12,000-13,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास वहां का जनसंख्या घनत्व है, जबकि अरुणाचल प्रदेश है वहां पर 17 व्यक्ति के आसपास है। कहने का मतलब संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व की स्थिति बिल्कुल अलग अलग पाई जाती है। इस आधार पर संपूर्ण विश्व का जो विभाजन किया गया है, उस विभाजन में एक तो आते हैं अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, एक सामान्य सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और एक निर्जन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। संपूर्ण विश्व को जनसंख्या घनत्व के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से? अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और निर्जन क्षेत्र या जनविहीन क्षेत्र। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व को 5 भागों के अंतर्गत देखो, जिन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व है कितना, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, वो क्षेत्र किसमें आएंगे? अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। जिन क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व है 100 से लेकर के 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है, वो आएंगे किसमें? अधिक में। जिनका 10 से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो सामान्य। 1 से लेकर के 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो आएंगे, कम जनसंख्या घनत्व वाले, और 1 से कम जिनका जनसंख्या घनत्व है वो निर्जन क्षेत्र। संपूर्ण विश्व को जनसंख्या घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले कौन से? जहां का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति हो। अधिक जनसंख्या घनत्व में, जहां का जनसंख्या घनत्व 100 से 200 व्यक्ति हो। सामान्य में, जहां का जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति के बीच में हो। कम जनसंख्या घनत्व, जहां का जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में हो। निर्जन, जहां का जनसंख्या घनत्व 1 या 1 से 1 कम हो। जैसे एशिया, अपना जो पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप है, और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग इसमें सम्मिलित है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले। मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अपने चीन का उत्तर पश्चिमी भाग, ये क्षेत्र किसमें सम्मिलित है? अधिक जनसंख्या घनत्व में। दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, जो घास के मैदान है, वो किसमें सम्मिलित है? सामान्य जनसंख्या में। फिर सूडान, लीबिया, एशिया का पश्चिमी साइबेरिया, ये क्षेत्र किसमें सम्मिलित है? ये कम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत। निर्जन क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अति शीत प्रदेश है, अति उच्च प्रदेश है, उच्च पर्वतीय प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है, अति उष्ण आर्द्र प्रदेश है, ये क्षेत्र किसके अंतर्गत सम्मिलित है? ये सम्मिलित है निर्जन। कोई दिक्कत? ये हो गए कितने? ये मुख्यतः 5 प्रकार के क्षेत्र हो गए जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर संपूर्ण विश्व के अंतर्गत विभाजित है। कोई दिक्कत? मुख्यतः आज के बिंदु में आपने जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व में भी 5 प्रकार के घनत्व आपने, गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व, पोषण घनत्व, इनके बारे में आपने अध्ययन किया। आगे हमने देखा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक,
जिसमें आपने पांच प्रकार के कारक देखे, भौगोलिक कारक वगैरह जो भी हैं। फिर आपने देखा जनसंख्या घनत्व का विश्व वितरण, जिसमें मुख्यतः तो ये पांच छह प्रकार देखे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जनसंख्या घनत्व है वितरण, इनको प्रभावित करने वाले कारक व इनके क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप डाउट्स में लिखें। फिर भी जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं वो आप मुख्यतः आपके नोटबुक में, बुक वगैरह इनके माध्यम से बिल्कुल इनको क्लियर करें। जहां भी दिक्कत हो वहां पूछने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही। शेष कर